हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार आपका दोस्त आपके साथ। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि हम एक गल्फ कंट्री से बात कर रहे हैं, पर मैंने आपको उस कंट्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था कि उसका नाम क्या है और कौन सी जगह पर है। बस गल्फ कंट्री का एक क्वेश्चन मार्क आपके लिए मैंने छोड़ दिया था। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम मैं रूम में था और मैं देखना चाहता था कि आप सबका जो प्यार है मेरे वीडियो के लिए किस तरीके से मेरे लिए इफ़ेक्ट करेगा। तो कोई नहीं, मैं दूसरी वीडियो भी बनाने जा रहा हूँ, ये मेरी दूसरी वीडियो है आप सबके साथ। तो मैं सर आज दोस्तों मैं आप सबको इस कंट्री के बारे में और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अब मैं बाहर हूँ तो जैसे मैं फर्स्टली आपको ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो इधर की मस्जिद है, यहाँ पर सारी मस्जिदें बहुत ज़्यादा बड़ी है, सुंदर है। और आप इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि यहाँ पर जितनी मस्जिद है वो ज़्यादातर जो है बिल्कुल वाइट और लाइट ब्राउन कलर की पत्थरों से बनाई गई है। उनके जो स्टोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो आपको मैं पहली मस्जिद दिखाना चाहूँगा जो मेरे फ्लैट के पास है। जैसे आप ये देखिए, बहुत बड़ी मस्जिद है सर, ये इतनी औसम है अंदर से, ये इसमें बिल्कुल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इधर की सारी मस्जिदें बहुत फेमस है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। और ये है, ये हमारा फ्लैट है, ये यहाँ के स्कूल्स है। और दोस्तों यहाँ की एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जितने भी रोड है एकदम नीट एंड क्लीन है, इतने क्लीन कि हमने अपने उधर भी ऐसा कभी रोड देखे नहीं होंगे, बहुत क्लीन है। यहाँ पर ज़रा सा भी डस्ट नहीं मिलेगा आपको और सारे रोड यहाँ पर बिल्कुल राउंड राउंड सर्कल में बनाए गए हैं। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर, जितनी भी यहाँ पर गाड़ियाँ हैं तो सर हम कहाँ थे कि हाँ कि यहाँ पर जितने भी रोड है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और दोस्तों सबसे मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि जितनी भी यहाँ पर गाड़ियाँ हैं सबका स्टीयरिंग्स लेफ्ट हैंड्स पे है, सब कुछ बिल्कुल उल्टा है हमारे इधर की के ट्रांसपोर्टेशन से, सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है। तो रेड लाइट्स देखने को बहुत कम मिलेगी यहाँ पर, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पर आपको रेड लाइट्स देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर दोस्तों जो गाड़ियाँ हैं, मतलब यहाँ के जो ड्राइवर्स हैं, जो भी यहाँ पर व्हीकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो इतने समझदार है, आप कह सकते हैं कि अगर कोई सामने से बंदा आ रहा है तो वो खुद ही अपनी गाड़ी को दूर से को ब्रेक लगा लेते हैं और वहीं से वो बंदा उस रोड को क्रॉस कर सकता है। ना तो ये यहाँ पर पेडेस्ट्रियंस है रोड क्रॉस करने के, ना ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। रेड लाइट्स तो आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलेगी, अगर काफ़ी आप लंबे टूर पर जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तो शायद आपको देखने को मिल जाए, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको रेड लाइट्स देखने को बहुत रेयर चांस होगा मिले। बाकी यहाँ पर जो कार ड्राइवर जितने भी हैं, अगर उनको दूर से दिख जाता है कि कोई रोड क्रॉस कर रहा है या फिर कोई गाड़ी आ रही है तो वो अपने आप ही उसको ब्रेक लगा लेते हैं दूर से ही, और फिर फर्स्ट आपको क्रॉस करने देंगे या फिर दूसरी गाड़ी को वहाँ से पहले पास करने देंगे, फिर वो अपनी गाड़ी को आगे ले जाएंगे। यहाँ पर ऐसा रूल है क्योंकि यहाँ के रोड्स जो है वो बहुत स्ट्रेंज तरीके से बने हुए हैं। अगर हमारा जैसा बंदा अपने इंडिया का कोई यहाँ पर आकर गाड़ी चलाना चाहे तो ईज़िली यहाँ पर ड्राइव नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत डिफरेंट है चलाना। एक तो इसका गाड़ी का सिस्टम सब कुछ लेफ़्ट साइड में है और दूसरा यहाँ के रोड और यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पर सामने वाला बंदा अगर एक रोड पे क्रॉस कर रहा है, दूसरा ड्राइवर आ रहा है तो पहला खुद ही रुक जाता है गाड़ी को देखकर कि हाँ इसको क्रॉस करने दो, फिर उसके बाद वो ड्राइव करता है। बाकी हम जैसा बंदा तो यहाँ पर ना चला पाए गाड़ी, बिल्कुल कन्फर्म है। और दोस्तों ये देखो, मैं जिस कंट्री के बारे में बात कर रहा था गल्फ, ये है उसका नाम ओमान अरब बैंक। तो मैं ओमान कंट्री में हूँ, ये सारे यहाँ के बैंक्स हैं और यहाँ की गाड़ियाँ, ये रोड आप देख सकते हैं कितने नीट एंड क्लीन्स है। और यहाँ पर
एक चीज़ तो आप नोटिस कर ही रहे होंगे दोस्तों, जैसे मैं आपको रोड के बारे में बता रहा था कि यहाँ पर रोड देखिए आप, बिल्कुल सिंगल रोड है, इसी में लेफ्ट साइड्स का है आने का और यहीं पर राइट साइड वालों का है जाने का, दोनों रोड सेम है। और यहाँ पर गाड़ी चलाना कितना टफ होगा, ना तो यहाँ पर इनके रोड के बीच में डिवाइडर है, यहाँ पर कुछ नहीं है। और यहाँ पर जो आपको पुल दिखाना चाहूँगा, जो इसका ब्रिज है, उस पर भी कोई डिवाइडर नहीं है, आने जाने का रास्ता दोनों सेम है। ये देखिए बिल्कुल सेम, यहाँ पर ऐसा डिवाइडर का सिस्टम यार है ही नहीं है। रेड लाइट्स का ढूंढोगे तो मिलेगा, बट बहुत दूर, छोटे मोटे एरिया में तो है ही नहीं। और यहाँ पर मॉल्स एक नंबर, एकदम फेमस, ज़बरदस्त, बड़े बड़े। हमारे इधर के मॉल्स तो कुछ भी नहीं यार, इधर के मॉल तो बहुत डबल डबल ट्रिपल है। और आज हम जा रहे हैं बीच पे, इतने दिनों बाद मैं घर से बाहर निकला हूँ तो सोचा चलो आप सभी दोस्तों को बीच की सैर करा दूँ। चलो ठीक है दोस्तों, यहाँ से बीच है 2-3 किलोमीटर होगा, तो हम पैदल वॉक करते हुए जा रहे हैं सारे दोस्त। आपको आज बीच दिखाता हूँ, बाकी फिर करते हैं बातें जैसा भी होगा। ये ओमा यूनाइटेड इंश्योरेंस को देखिए दोस्तों, यहाँ के जितने भी आर्किटेक्चर्स हैं ना, बहुत औसम है, बहुत औसम। ऐसे आर्किटेक्चर्स आपको देखने को बहुत मुश्किल ही मिलेंगे अपने इंडिया में, बट यहाँ पर तो पर्शियंस, पोर्चुगीज एंड इंडियंस और बाकी ओमानी आर्किटेक्चर, आर्कियोलॉजी सब देखने को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों गाड़ी का एक्सीडेंट। हाँ कहा था ना इजी नहीं है चलाना, यहाँ पर गाड़ी चलाना इजी नहीं है, रोड क्रॉस करना इजी नहीं है। देखिए बच्चे रोड क्रॉस कर रहे थे तो ड्राइवर ने खुद ही दूर से ब्रेक मारी और उनको जाने दिया, विदाउट पेडेस्ट्रियंस, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, नो रेड लाइट्स, नो अंडरपास, बस जो सामने से दिखे ब्रेक लगा ली तो रोड क्रॉस, नहीं तो यू नो कहाँ पर फिर। ये देखिए दोस्तों, अब ये लिखा है मजान हाउस, मजान हाउस, पहले ओमान को मजान के कहा जाता था काफ़ी सालों पहले। ये तो ओमान का नाम, ओमान तो बहुत टाइम पर बाद रखा गया ओमान, पहले उसको मजान, मैजूम, मगान, बहुत सारे नाम थे। हिस्ट्रीज अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इतनी हिस्ट्री तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि अपनी तो वीडियो ही छोटी छोटी बनती है, है ना दोस्तों। चलो अब हम चलते बीच, फिर करेंगे वहाँ पर बातचीत। दोस्तों हमें यहाँ पर एक फर्स्ट अंडरपास मिल गया है, अब जहाँ से हम अपना रोड क्रॉस करने जा रहे हैं। वाह जैसा यार, बढ़िया वाह या फर्टेलो इज गोइंग। ओ दोस्तों देखा, ये है हमारा अंडर पास, दैट आई फर्स्ट टाइम पास, ओ नाइस। क्या बात दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको डिवाइडर्स भी मिल जाएंगे, क्या बात है, चलता है डिवाइडर्स बनाने की तैयारी चल रही है। पक्के नहीं, कच्चे डिवाइडर ही ठीक, बट रोड को डिवाइड करने के लिए कुछ तो बनाया ना। चलो बाकी रोड तो दिख ही रहा होगा दोस्तों आपको कितना क्लीन है, देखिए है ना बातचीत।
जगह है तो ऐसी है जो अभी भी डेवलप हो रही है, उनको भी डेवलप होने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उसमें आने वाले 2-3 सालों में ज़बरदस्त कंटेंट कोई नहीं। वैसे भी इस कंट्री का वर्ल्ड के नंबर सिटी तो कंट्री के अंदर नहीं कंट्री के अंदर नाम आता है। तो देखो दोस्तों, हम एमबीसी के बीच से निकल कर ये निकल कर हम सीओ को मान तक पहुँच चुके हैं, और ये हमारा भाई रोहन फ्रॉम खजुराहो, ये अरुण भाई एंड ऑल्सो बाबा फ्रॉम खजुराहो। तो ये हम सीओ को मान पहुँच चुके हैं, क्या खूबसूरती है वाले जी जान, क्या बात बीबी वाला बीबी यहाँ पर घास फूस जंगल जैसी जगह है, क्योंकि यहाँ पर अभी दोस्तों अभी और कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। यहाँ पर अभी सारी एम्बेसीज यहाँ पर अभी नहीं हुई है, अभी थोड़ी और एम्बेसी जब यहाँ पर सेटल हो जाएगी तो ये रास्ता भी शायद उसका एंट्री बंद हो जाएगा, फिर हमें इस सीक के पास दूसरी साइड से टेंट आना पड़े। अभी तो यहाँ पर काफ़ी और चीज़ें डेवलप हो गई, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बिल्कुल रिसेंटली डेवलप हुई हैं, सारी बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो आप देखते हैं यहाँ पर एम्बेसी वगैरह सब रिसेंटली डेवलप हुई है, काफ़ी yeah।